कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज दुबे क्लिनिक लंगर टोली चौराहा पटना। जेडीयू के राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र की पुत्रवधू कंचना राय अब सामने आ गई हैं। पिछले कई दिनों से किंग महेंद्र फैमिली पर लगातार अटैक कर रहे मधेपुरा के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को आज कंचना राय ने बेहद कड़ा जवाब दिया है। कंचना राय ने पटना में मीडिया संस्थानों को भेजी गई विज्ञप्ति में कहा है कि पप्पू यादव जैसा गंदा कर्म कर रहे हैं उन्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। मालूम हो कि कंचना राय जेडीयू सांसद किंग महेंद्र के मंझले पुत्र स्मृति शेष देवेंद्र राय की पत्नी है। पिछले दिनों पप्पू यादव ने पटना में प्रेस वार्ता के दौरान किंग महेंद्र की चर्चा करते करते कंचना राय को भी घसीट लिया था। कंचना राय दो बच्चों की मां हैं। कंचना राय ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि पप्पू यादव ने जिस तरीके से परिवार समेत मेरे चरित्रिक हनन की कोशिश की है मैं बहुत परेशान हो गई हूं। मेरे दोनों बच्चे भी अवसाद में चले गए हैं। किंग महेंद्र की पुत्रवधू ने कहा कि पूर्व सांसद पप्पू यादव जिस तरीके का गंदा आरोप लगा रहे हैं उन्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। पप्पू यादव जिस तरीके से बोलते हैं वह उनकी मानसिक विकृति और दिव्यालियापन को ही दर्शाता है। कंचना राय ने कहा है कि पप्पू यादव ने गंदा बयान देते समय यह नहीं सोचा कि वह हम किसी महिला के बारे में क्या बोल रहे हैं। उन्हें किसी भी महिला के बारे में बोलने से पहले बार बार सोचना चाहिए था। सारे आरोप अनर्गल व झूठे हैं। इसके साथ ही कंचना राय ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अपने बच्चों के साथ ससुराल में ही मुंबई में रहती हैं। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।